रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का नेटो देशों पर गंभीर आरोप, कहा अमेरिका पर परमाणु युद्ध का फितूर, हम पर नहीं। यूरोप में अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने की तैयारी में अमेरिका, रूस की होगी घेराबंदी, अभी 6 देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात। रूस यूक्रेन जंग के बीच 30 साल की सबसे बड़ी ड्रिल करेगा नेटो, 10 मार्च से एक महीने तक नॉर्वे में चलेगा युद्धाभ्यास, 28 देशों के 35,000 जवान होंगे शामिल। यूक्रेन और रूस की दूसरे दौर की बातचीत पर सस्पेंस, यूक्रेन ने बातचीत से किया इनकार, रूस के विदेश मंत्री का दावा। यूक्रेन में जंग जीतने के लिए लगातार दाखिल हो रही है रूसी सेना, यूक्रेन में सैन्य वाहनों के काफिले का रूसी टीवी चैनल ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के चर्निहिव ऑयल डिपो पर रूस का बड़ा हमला, धमाके में 25 लोगों की मौत। यूक्रेन के 17 शहरों पर आज एक साथ रूस कर सकता है स्ट्राइक, यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा। यूक्रेन के साथ वॉर में रूस को बहुत बड़ा झटका, गोलीबारी में रूस के मेजर जनरल आंद्रेई सुकोवित्सी की गई जान। यूक्रेन को घेरने के लिए ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप का जबरदस्त एक्शन, पश्चिमी क्रिमिया तट पर नजर आया जहाजों का लंबा काफिला। ओडेसा पर आज कब्जे की तैयारी में रूसी सेना, रूस के MiH मल्टी हेलीकॉप्टर आसमान में लगा रहे चक्कर। रूस पर यूक्रेनी मीडिया का बड़ा आरोप, रूस जानबूझकर यूक्रेन के स्कूलों, चर्चों और रिहायशी इलाकों को बना रहा निशाना। खार्किव में रात भर रूस ने की भारी बमबारी, SBU भवन धमाकों से पूरी तरह तबाह। खार्किव का कोल्ड माउंटेन इलाका भी रूसी अटैक का बड़ा निशाना, हजारों मकान बमबारी में तबाह। रूसी बमबारी से खार्किव में भारी तबाही, मिसाइल अटैक से जमीन में हुआ कई फीट गहरा गड्ढा। रूसी एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के इज्यूम शहर में भारी तबाही, रिहायशी इलाकों में खंडहर बनी इमारतें। यूक्रेन के इरपिन इलाके में रूस की मिसाइलों ने मचाई भीषण तबाही, मलबे में तब्दील हो गई बड़ी बड़ी इमारतें। यूक्रेन के पास पहुंचा रूस का वॉर प्लान, यूक्रेन का दावा, रूस ने 15 दिन के लिए बनाई थी युद्ध की योजना। डोनेस में रूसी हमले में बाल बाल बची महिला की जान, घर में जाते हुए अचानक हुआ अटैक। यूक्रेन के शहर गोस्टमेल में रूसी हमले से भारी तबाही, सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आया तबाही का मंजर। खार्किव में भी रूसी सेना का जबरदस्त हमला, ड्रोन हमलों के जरिए रिहायशी इलाके को बनाया जा रहा निशाना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।